भी अकेले चला गई तो सिस्टर अभी सेल स्टार्ट करके जाने दो एक्टिवा आगे और वापस भी अकेले आना ठीक है, जाने दो धीरे धीरे जाने दो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवक रिद्धि ब्लॉगर। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए। तो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना क्योंकि आपको हमारी नई वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो अभी हम जाने वाले हैं वो के घर और उधर जाके चलो जो करते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो चलो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी बुआ के घर पहुंच गए और सिस्टर लोग अभी स्कूल गए हुए हैं, तो अभी स्कूल से आएगी और बुआ दूध लेने गई है और फूफा को मतलब रात को आज माता जी का कुछ इधर काम है तो वो काम कर रहे हैं। तो अभी बुआ दूध लेने गई है चाय बनाने के लिए और ये रही रिद्धि, देखो इंटर जी को। तो अभी चाय पीने के बाद हाथ पैर धोते बाद में थोड़ा आराम करते हैं, सिस्टर लोग आएंगे तभी। सिस्टर लोगों को एक्टिवा सीखना है तो आज एक्टिवा सिखाने के लिए जाएगी हम लोग, मैं मतलब सिस्टर लोगों को एक्टिवा सिखाऊंगा जो हमसे छोटी सिस्टर है दो। तो चलो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अभी सिस्टर लोग भी आ गए स्कूल से, मतलब अभी खाने के लिए अभी छुट्टी दी है तो अभी आ गए घर पर, तो रुको अभी उनसे भी मिलवा दो सिस्टर लोगों से आपको। ये रही हमारी छोटी वाली सिस्टर, तो अभी स्कूल में अभी वापस जाएगी, खाना खाने के लिए आई थी अभी वापस जाएगी। चौथी क्लास में पढ़ती है वो, चौथी कक्षा। हाँ तो भाई हमारे दीदी चौथी कक्षा में पढ़ती है और बहुत ही तेज है पढ़ने में और क्यूट भी है बच्चों। तो ये हमारी सिस्टर है छोटी वाली और हमारी सिस्टर है हमारी जो इससे थोड़ी बड़ी है आ गई, वो भी खाना खा रही है। ये रही तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सेवन। तो ये सेवन क्लास में पढ़ती है और ये फोर्थ में पढ़ती है। तो अभी ये वापस आएंगे, वापस स्कूल में जाने के बाद 2 बजे जब घर आएंगे तब ये सिस्टर को एक्टिवा सीखनी और आज एक्टिवा कंप्लीट सिखा देंगे। और ये रही बुआ, देखो उस बार बासी की रोटला कर रही थी और अभी गेहूं की रोटी कर रही है, लेकिन उस बार हम कुछ और थे और इस बार कुछ और है। तो अभी बुआ को भी एक्टिवा सीखनी, बुआ ने काफ़ी चलाई थी एक्टिवा और सिस्टर ने भी, मैंने जब आए थे ना सिस्टर लोग तब मैंने उस सिखाई थी, रात को जब मैं जॉब से आता था वापस तब मैंने सिखाई थी। तू खाना स्टार्ट कर, तू क्यों रुक गई? तब मैंने उन दोनों को मतलब बुआ को और तीनों को रिद्धि को भी सिखाई थी, सबको सिखा रहा था एक्टिवा जब सिस्टर को सीखनी थी उसका इनर ने हमें। तुम्हें बता तेरा नाम क्या है बताओ सबको। मानवी। इसका नाम मानवी है और इसका नाम इनल। और ये हमारी बुआ जो मेरी बुआ का नाम है हंसा भाई, जो मैं गुजराती में फई बोलते हैं, मतलब ये ब्लॉग शूट करने के लिए मेरे को बुआ बोलना पड़ता है। तो ये हमारी फई है और हमारे फूफा अभी गए तो वो घर पे नहीं है। तो चलो अभी वो आएंगे तभी ब्लॉग कंटिन्यू कर दे। तो अभी खाना क्या बनाए थे देख लेते अभी। ये देख सकते हो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, ये तुवेर के चोखा है और भात और रोटी है, चावल और रोटी। तो ये देखो तू स्टार्ट हो गए, खाना तो नहीं खाया तूने अभी। तो चलो ब्लॉग अभी सिस्टर लोग आएंगे तभी ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो
तो आपको आप कितने बजे आओगे आप लोग? 2 बजे। हाँ तो 2 बजे आओ फिर एक्टिवा चलाने चलते, ठीक है सीखने के लिए। चलो बाकी सिस्टर लोग गए वापस स्कूल और अभी आएंगे 2 बजे वापस आएंगे घर छुट्टी लेकर। तो आने के बाद हम जाएंगे, सिस्टर को मैं एक्टिवा सिखाने ले जाऊंगा। जो बड़ी वाली थी उसको, जो छोटी वाली थी उसको नहीं सिखाना क्योंकि उसके तो बिल्कुल भी पैर नहीं पहुँचेंगे। तो अभी आएगी वो, अब वो लोग वापस आएंगे फिर जाएंगे हम लोग। तो अभी खाना निकाल रही है दीदी और बुआ बना रही है। तो चलो खाना खा लेते फिर सिस्टर लोग आते हैं तब व्लॉग कंटिन्यू करते। आ गए ये लोग घर, ये देखो दोनों ही बार जो उनके फ्रेंड्स है जो अभी 2 बजे के ब्रेक पर आए, लंच ब्रेक पर आए वापस। तो ये सब घर आए और अभी ये तो स्कूल जाकर वापस आएगी ये दोनों। पर ये सब अभी स्कूल से अगर अभी घर आकर काम कर रही है। देखो ये होती है गर्ल्स की, मतलब गर्ल्स को स्कूल में पढ़ना भी होता है और घर का काम भी करना पड़ता है। तो ये सब होता है। देखो अभी ये स्कूल से वापस आए और स्कूल से आने के बाद अभी ये काम कर रही है इधर। देखो तो कहाँ से मतलब पढ़ाई करे या काम करे घर का, ये देखो ये भी अभी काम ही कर रही है सिस्टर। और ये फ्रेंड से इनल बहन के फ्रेंड से ये सब लोग, तो ये भी उन इस उनकी मदद कर रहे हैं, इनल बहन की मदद कर रहे हैं वो लोग। और इनल बहन की पढ़ाई बहुत ही अच्छी है अभी, जब तक मतलब मेरे सामने जब ये इनल बहन सब इंग्लिश सब कुछ, मैथ में भी अच्छे है सभी, मतलब पूरा दिन काम होने के बाद पढ़ाई करती है और पढ़ाई होने के बाद ही मेरे बुआ उनको काम पे लगा देती है। तो अभी काम हो जाने के बाद हम चलते हैं उनको एक्टिवा सिखाने के लिए। तो चलो ये रहे देखो जड्डू बाम। तो चलो उनको काम करने देते हैं, काम करने के बाद हम चलते हैं एक्टिवा सिखाने। तो अभी सिस्टर आ गई है तो अभी जा रहे हैं हम सिस्टर को एक्टिवा सिखाने। तो उसने चेंज भी कर लिया है, तो अभी मैं रिद्धि और सिस्टर को छोड़ के आता हूँ उधर रोड पे और फिर बुआ को लेने आऊँगा। तो चलो ये एक्टिवा नहीं जो सिस्टर के लिए ली हुई है रही सिस्टर, इसके लिए एक्टिवा ले, लेकिन उसको अभी पैर नहीं मतलब ठीक से पहुँच रहे और चलानी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं आती, इसलिए अभी उसको सिखाने जा रहे हो मैं। तो चलो उनको छोड़ के आता हूँ, बाद में बुआ को लेने के लिए आऊँगा। अभी सिस्टर बुआ और रिद्धि चारों भी आ गए हम इधर रोड पर एक्टिवा सीखने के लिए, मतलब सिस्टर को एक्टिवा सिखाने के लिए। तो मतलब इधर रोड पे काफ़ी सारे वाहन आते जाते रहते हैं इधर कि, इसलिए हम बुआ और रिद्धि को लेकर आएंगे। अगर हम उस तरफ से आएंगे और इधर से बड़ी गाड़ी वाड़ी कुछ आएगा तो वो बोल देंगे, तो आप अकेले आपको एक्टिवा चलानी है, चलाओगे ना? हाँ। और मतलब अभी एक राउंड लगाया हिनल ने लेकिन अभी भूल गई है, पहले मैंने सिखाया था तब मतलब अच्छा चला रही थी वो एक्टिवा हमारा था, और ये नया वाले में पता है एकदम रेस से चली जाती है आगे बढ़ जाती है। तो चलो अभी एक्टिवा सिखाते और कंप्लीट करते ड्राइवर को। तो अभी एक्टिवा मतलब ये चाबी स्टार्ट कर दी है, ठीक है ना? अभी ये राइट साइड में ये ब्रेक है, ब्रेक लगाओ थोड़ा और अभी ये सेल्फ प्रेस करो, अब स्टार्ट होगा, ठीक है? और अभी ये सीधा करके धीरे धीरे से ये लगाना, ठीक है? मैं पीछे तो हूँ लेकिन जब थोड़े धीरे धीरे ये प्रेस करो थोड़ा धीरे धीरे।
सिस्टर ने काफी मतलब एक्टिवा चलाई, लेकिन उसको टर्न मारने में प्रॉब्लम होगा इधर, क्योंकि इधर मतलब आगे जाए सीधे मतलब स्टेट रोड पे तो आराम से चला लेगी, लेकिन उधर से जब गाड़ी मोड़ने की बारी आएगी तब वो उसको नहीं मोड़ पाएगी, इसलिए मेरे को साथ में जाना पड़ता है। तो अभी सिस्टर अकेले चलाएगी और जब गाड़ी मोड़नी होगी तो मैं उसको मोड़ के दे दूंगा कि जा वापस अकेले। तो अभी चलो सिस्टर ने अकेले एक्टिवा चला लिए और मैं भी थक गया पीछे दौड़ते दौड़ते, तो सिस्टर मतलब बहुत ही अच्छा चला रही है। और अभी हमारे फूफा आगे गए और मैं इधर रहूँगा, तो इधर से मतलब मोड़ने में सिस्टर को तकलीफ हो रही है ना, इसलिए वो उधर से मोड़ेंगे, एक्टिवा मोड़ के देखे और सिस्टर चला के आएगी और इधर से मैं मोड़ के दूंगा। तो अभी सिस्टर अकेले ही चलाएगी, तो चलो देखते सिस्टर चला पाएगी या नहीं चला पाएगी। तो सिस्टर अभी एक्टिवा लेकर इधर से गई है और अकेली वापस आएगी, तो देखते अभी सिस्टर अकेले लेकर आएगी वापस एक्टिवा, इधर से तो लेकर गई, अभी देखते वापस आएगी या नहीं। तो चलो पीछे का कैमरा करके दिखा रहा हूँ और अभी आ ही रही है, तो चलो पीछे भी कैमरा कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ सिस्टर एक्टिवा चलाना सीख गई है। बीच में रखो, बीच में आने दो बस, ब्रेक। हाँ सीख गई हमारी बहना, सीख गई एक्टिवा। अभी जाएगी, अभी स्कूल पास होने के बाद अभी जाएगी कॉलेज एक्टिवा लेकर ही जाएगी जल्दी से। 10वीं 12वीं 8वीं 9वीं 10वीं पास करना पड़ेगा तेरे को ये चलाने के लिए, सीख तो जाएगी। तो चलो अभी सीख लिया एक्टिवा, तो अभी व्लॉग को इधर ही एंड करते। ये रही बुआ, ये रही दीदी, ये दोनों कब से इधर बैठे हैं, मतलब हम ये सीखा रहा हूँ एक्टिवा, बुआ और दीदी दोनों ही बातें कर रही है। तो अभी एक्टिवा सीख ली है सिस्टर ने, तो चलो ब्लॉग को एंड करते। मजा आया एक्टिवा चलाने में? हाँ। अभी आ गई ना एक्टिवा चलानी आपको? हाँ। अभी और बार चलाओगी अकेली एक्टिवा? हाँ एक बार। हाँ तो चलो लास्ट बार अभी सिस्टर एक्टिवा चलाएगी। अभी अकेले चलाएगी, तो सिस्टर अभी सेल स्टार्ट करके जाने दो एक्टिवा आगे और वापस भी अकेले आना, ठीक है? जाने दो धीरे धीरे, जाने दो। वाह वाह, वो तो अभी सिस्टर गई है। गई और बीच में ये ट्रैक्टर और सब कुछ, बहुत ही गाड़ी आ रही है, देखो धूल मिट्टी भी बहुत ही उड़ रही है इधर। तो अभी सिस्टर इधर के मतलब ट्रैक्टर के बाजू में से निकल पाएगी और रास्ता भी देखो बहुत ही छोटा वाला रास्ता है, तो सिस्टर आ पाएगी। तो देखते हैं, चलो अभी तो कुछ दिखा नहीं दे रहा है। और अभी सिस्टर मतलब एक्टिवा की लाइट जल रही है, सीख जी, इसलिए पता चल रहा है कि हाँ ये सिस्टर ही आ रही है। तो सिस्टर ने ट्रैक्टर के बाजू से निकल लिया और वापस भी आ रही है, तो मतलब आज का दिन सक्सेसफुली से सिस्टर ने एक्टिवा सीख लिया, तो इतना सीख लिया तो अभी वो आराम से मतलब चला पाएगी डेली धीरे धीरे करके। बस स्टॉप, स्टैंड लगा दो धीरे से। वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक्टिवा सीख ली है। थैंक यू। तो चलो अभी चलते हैं घर, आपने एक्टिवा सीख ली है तो अभी ब्लॉग का एंड भी कर लेते हैं। तो चलो बाय ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय ऑल फ्रेंड्स, बाय बोल दो सबको, बाय।